हेलो फ्रेंड्स, कैप्टन सोनाली चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि दूर से गाढ़ी मलाई कैसे निकालें। मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की कि मुझे दूध से गाढ़ी मलाई मैडम निकालना सिखाइए। तो चलिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने दूध लिया है, ये नॉर्मल बेस का दूध है, तबेले का दूध है ये, और इसको मैंने गैस पे रख लिया है। अभी इसको हम फास्ट गैस पे करेंगे, फुल गैस पे हम इसको पहले पकाएंगे उसको। देखिए, दूध अभी हल्का हल्का पकने आया है, ये अच्छे से इसको फुल गैस पे हम इसे पकाना है। हम इसको पहले फुल गैस पे पकाएंगे, तो चलिए हम पका लेते हैं। देखिए, हमारा ये दूध पकने आया है धीरे धीरे से। देखिए, साइड से किनारी से ये पक रहा है अच्छे से, देखो ऊपर आ रहा है किनारी से। हम इसको पकाना है अच्छे से। मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगी, टिप्स दूंगी। आसानी से आपको 2 घंटे में ही आपको अच्छे से मलाई जम के आ जाएगी ऊपर। मैं आपको वही ट्रिक आज मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं यही ट्रिक बरसों से यूज़ कर रही हूँ और बरसों से ही ऐसी मलाई मैं निकालते आ रही हूँ, वही ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, अभी हम धीरे धीरे ऊपर आएगा ये दूध। देखिए, ये दूध ऊपर आ रहा है। लोगों से सुना है मैंने कि लोग बताते हैं सब लोग कि उसको ज़्यादा पकाने से गाढ़ी दर मलाई आती है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा पकाते हैं तो दूध कम हो जाता है, क्योंकि दूध बॉयल होकर आटा है दूध, तो दूध कम हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करती हूँ। तो मैं जो तरीके से बनाती हूँ, मैं आपको वो तरीका बताऊँगी मैं आपको। तो देखिए, अभी ये दूध ऊपर आने की तैयारी में है। ये दूध ऊपर आएगा तो मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको बताऊँगी। देखिए, दूध ऊपर आ रहा है हल्के में। हम इसको अभी गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे। तो देखिए, गैस की फ्लेम को धीमा करने के बाद दूध हमें नीचे जाएगा। स्लो कर दिया हमने गैस की फ्लेम को, अब हम इसे स्लो गैस पे धीरे से वापस ऊपर आने देंगे। स्लो गैस किया है मैंने। देखिए, हमें इसकी जो मलाई है वो टूटने नहीं देनी। देखिए, ऊपर आया, अभी मैं इसको बंद कर दूंगी। अभी इसी गैस पे अगर हमें रखना है तो हमें रख देंगे इसी गैस पे। हमें इस मलाई इसकी जो ऊपर जो आई है वो टूटने नहीं चाहिए हमारी। तो हम इस पर डायरेक्ट ढक्कन नहीं रखेंगे, हमें इस पर ये ऐसी छलनी आती है, ये इस पर छलनी ऐसा रख देंगे ताकि इसका अंदर से जो यो इसके अंदर से जो बाफ निकलती है वो बाफ को अच्छे से इसको जगह मिले निकलने के लिए, और इसमें अंदर ना दब जब अंदर ना बैठी रहे। क्योंकि बाफ निकलती नहीं है तो अच्छे से मलाई नहीं जमेगी इसके अंदर, और बाफ नहीं निकलेगी तो अच्छे से मलाई नहीं जमेगी। इस तरह से आप करोगे तो अच्छे से मलाई जमेगी। तो हमें ये अगर गैस पे से उतारना भी है तो धीरे से हल्के से उतारिए, क्योंकि अगर हल्के से आप नहीं उतारोगे तो मलाई टूट जाएगी और आपकी आपकी मलाई अच्छे से नहीं जम पाएगी, अच्छे से गाढ़ी नहीं जमेगी। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने पहले से ही बना के रखा है, एक साइड पे पहले दूध मैंने उबाल के रखा हुआ है, वो आपको मैं बताती हूँ। और एक बात है, अगर आप 2 घंटे में आपकी मलाई ये जम जाएगी और उससे अच्छी आपको मलाई ठीक चाहिए है तो आपको फ्रीज में उसको 5 से 6 घंटा रखना होगा, तो आपकी मलाई अच्छे से जम जाएगी। तो देखिए, मैं आपको दूसरा बता देती हूँ, जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है मैं आपको बता देती हूँ वो। तो फ्रेंड्स, देखिए, मैंने ये जो मलाई है मैं ऑलरेडी जमाई हुई, मैं आपको वो दिखा देती हूँ, उठा के भी दिखाती हूँ मैं आपको कितनी गाढ़ी है, एक मिनट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, इतनी गाढ़ी मलाई जम रही है इसके अंदर। देखिए, इतनी गाढ़ी मलाई जमी है। ये मैंने आधा लीटर ही दूध लिया हुआ है और आधा लीटर दूध से इतनी गाढ़ी मलाई जम गई है। तो आप मेरी ये टिप्स और ट्रिक अच्छे से फॉलो कीजिएगा तो आपके
ये मलाई अच्छे से जम जाएगी। तो मेरा अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथ ही में आपको कुछ प्रॉब्लम है और आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में आपको इस क्वेश्चंस के जवाब आपको दूंगी। थैंक यू।